फतेहपुर की पंचायत रैन के वार्ड नंबर 11 में मनरेगा के तहत एक डंगे का निर्माण किया जा रहा था। डंगे की नीम की खुदाई मात्र 9 इंच की गई, जो कि 3 फीट होनी थी। जब इसके बारे स्थानीय निवासी सुखदेव सिंह व रमेश चंद को पता चला तो उन्होंने तुरंत काम को बंद करवा दिया। जब इसके बारे में वार्ड सदस्य तृप्ता देवी से बात की तो उन्होंने बताया कि वे काम ठीक कर रही है और नीम की खुदवाई भी पूरी है, किसी के कहने से काम बंद नहीं हो सकता है। फतेहपुर की पंचायत रेहन के वार्ड नंबर 11 में मनरेगा के तहत एक डंगे का निर्माण किया जा रहा है। डंगे की नींव की खुदवाई मात्र 9 इंच की गई है, जो कि 3 फीट की होनी थी। जो इसके बारे में स्थानीय निवासी सुखदेव सिंह और रमेश चंद को पता चला तो उन्होंने तुरंत काम को बंद करवा दिया। जब इसके बारे में बाढ़ सदस्य तृप्ता देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे काम ठीक कर रही है और नींव की खुदवाई पूरी है, किसी के कहने से काम बंद नहीं किया जा सकता। इसके बारे में पंचायत सचिव रविंदर गुलेरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे ही इस काम के बारे में बताया कि ये काम खत्म होने की कगार पर था, पर कुछ परेशानी के कारण काम बंद करना पड़ा, क्योंकि इसकी खुदवाई कम थी। विभाग द्वारा जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रीता जी, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो ये 3 फुट की खुदाई थी, इन्होंने 9 इंच की है, इसके बारे में क्या है आपका? कहाँ पर करी है 9 इंच? ये जो डंगा लगाया जा रहा है। नहीं देखो, आप नापो, मैं आप भी नापो ना इसको, इन पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? ये तो बीच में डाल रहे हैं झगड़ा है। मनरेगा गरीबों के लिए आई है, ये बीच में बाधा क्यों डाल रहे हैं? फेसबुक बनाने से ऐसे मीडिया भेजने को इनका बंद हो जाएगा काम मनरेगा? देखो कितनी गरीब जनानी है, विधवा, इसका काम है सरकार कर रही है, इन लोगों को क्या तकलीफ है? वार्ड नंबर 11 में जो काम नानक नाई रमेश वगैरह का लगा हुआ है, ये काम खत्म होने के कगार पर था, पर कुछ परेशानी के कारण काम बंद करना पड़ा, क्योंकि खुदाई वगैरह कम थी और जेई साहब को मौके पर आया गया, वो कहते हैं फिलहाल काम बंद कर दो, मौका करके जिस खुदाई प्रॉपर हुई तब काम स्टार्ट किया जाएगा इसका।